हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विलेज फूड शॉर्ट वीडियोस में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको अरबी की सूखी और चटपटी सब्जी बनाने के लिए बताएंगे। तो हमने अरबी ले ली है और इसको 3-4 बार साफ पानी से हमने धुल लिया है और एक कुकर में इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। पानी हम इतना डालेंगे कि हमारी अरबी अच्छे से डूब जाएँ और फिर हम कुकर को गैस पे चढ़ा देंगे। 4-5 सीटी आने तक हमें इसे पकाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी अरबी बॉईल हो गई है। अब हम इसको एक चौड़े बर्तन में निकाल लेंगे जिससे कि हमारी अरबी अच्छे से ठंडी हो जाए। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तब हम इसका छिलका उतारेंगे, क्योंकि तब इसका छिलका आसानी से उतर जाता है। हमारी अरबी बिल्कुल ठंडी हो गई है, अब हम इसका छिलका उतार लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना छिलका उतार लिया है। अब हम इसको थोड़ा लंबे पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो अपना मनचाहा शेप दे सकते हैं और इसमें जो थोड़ा रेड रहेगा, रेड रेडनेस रहेगी ना, तो वो आप हटा दीजिएगा क्योंकि वो ख़राब होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम कट कर ले रहे हैं लंबे पीसेस में। तो सारी अरबी हमको ऐसे ही कट कर लेनी है। हमने अपनी अरबी कट करके रख ली है। अब हमें चाहिए सब्जी बनाने के लिए मसाला। हमने ले लिया है 1 छोटा चम्मच जीरा और थोड़ी साबुत धनिया, और इसमें हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा सब्जी मसाला। और यहाँ छोटे छोटे पीसेस में हमने लहसुन और हरी मिर्च को कट कर लिया है और प्याज को भी कट कर लिया है। और ये हमारी अरबी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं। तो हमने लोहे की कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, 2 बड़े चम्मच मैंने डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे कटे हुए लहसुन। लहसुन जब हमारा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे धनिया और जीरा। जीरा जब हमारा पक जाए तब हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज, हरी मिर्च अब हम प्याज को अच्छे से भुनने तक, लाल होने तक पकाएंगे। गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है, नहीं तो मसाला हमारा जल जाएगा, फिर इससे टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो हमारा प्याज अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले जो हमने पहले से ही निकाल के रखे थे, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और सब्जी मसाला, धनिया पाउडर। अब हम इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर तक हम इसको चलाते हुए पका लेंगे। तेल में अच्छे से पकाना है और गैस की फ्लेम लो ही रखना है, नहीं तो मसाला हमारा जल जाएगा। अब हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च और हींग डाल देते हैं, इसको भी मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पहले से ही उबली हुई अरबी, कुछ लोग इसको घुइया भी बोलते हैं। अब हम इसको मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे सारे मसाले हमारी अरबी में अच्छे से मेल्ट हो जाएं। और ये अरबी इस तरह से बनाएंगे आप तो ये बिल्कुल भी लेसलेसी नहीं बनेगी, एकदम फ्रेश बनेगी
और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, स्वाद के अनुसार आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, और इसको भी अच्छे से हम मिला देंगे। अच्छे से मिलाना है हमें ताकि नमक सारी अरबी में अच्छे से लग जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें मसाला अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गया है और हमने देखा कि हमारी सब्जी अच्छे से बन के रेडी हो गई है। सो फ्रेंड, गैस की फ्लेम थोड़ा मीडियम करके हम इसे 2-3 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे, जिससे इसका टेस्ट एकदम कुरकुरापन आ जाता है इसमें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपकी 1 लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और ज़्यादा वीडियो बना सकें आपके लिए। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, हम अपनी सब्जी को सर्व कर लेते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा डेलिशियस और टेस्टी बनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। आप इसको पूरी सब्जी भी खा सकते हैं, रोटी सब्जी भी खा सकते हैं, और पराठे के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है सब्ज़ी और बिल्कुल भी ये लिसलिसी नहीं लगती है, बहुत ही अच्छी टेस्टी बनी है सब्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।